आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के 10 सम्राट सबराम की बारामासी आप लोगों के सामने जो पेश करने जा रहे हैं, शायद ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय होगी, मगर इतना ध्यान रखना कि 10 बनने के बाद सबराम की दशा क्या बनी, ये इस कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। जरा अपने पर कंट्रोल रखें, कहीं इस कथा को सुनने के बाद 10 बनने की कोशिश ना करें। चैत महीना लगो सरस्वती माता मनाई है और सुमिर श्री गणेश हाथ में कलम उठाई है। जिला है मैनपुरी भाई और हर नागरपुर ग्राम थाना पुरावली भाई। चंदन है जाए स्कूल पढ़ाई को और है उत्पाती बड़ा मोल ये ले लड़ाई को। जाने में कबीर की लीला है न्यारी रे, कबीर की लीला है न्यारी। और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। बैसाख में क्या हुआ राठौर साहब? बैसाख पिछले पाठ कुमार की शादी करवाई, धन देवी है नाम नार को सुन ले उचित लाई। सुन ले मेरे भाई, जन्म दो लड़कन को दीना और थोड़े दिन के बाद जन्म एक कन्या ने लीना। ये घोषित कर दियो और मार्ग में छबराम पुलिस ने गिरफ्तार किया। तैयारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जेठ में अबलाक सिंह जरा ध्यान रखना, छबराम ने क्या दशा की?
जेठ बन गया मेठी करे वो नेता चतुराई, और वारदात के समय पुलिस को देवे चकबाई, सकल से पुलिस ना जाने और बदल बदल के रूप पुलिस को लागो पहचाने। धन देवी सोच रही और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। बहुत धन देवी सोच रही रे, बहुत धन देवी सोच रही और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। दुखी जाकी धन देवी प्यारी और नेता भक्षब राम सदा तीनन को हितकारी। आषाढ़ में रामशरण जी क्या हुआ? आषाढ़ आ गई बाल संग में 48 डाकू रे, संग में 48 डाकू और कितने घेरे पुलिस नाय डर छब राम नेता को। शला पोथी से मिलाई के और महावीर छब राम बदनपुर करी चढ़ाई है। शला पोथी से मिलाई है महावीर छब राम बदनपुर करी चढ़ाई है। वहां पर जुलम गुजारे के और फूल सिंह जा तब के घर में ग्यारह मारे के। अंदाजा लगाना लोगों, जिस आंगन में ग्यारह लाशें हुई हो उस आंगन की दशा क्या बनी होगी? कछु वहां महिला मारी है, कछु बच्चा हन दए न दिल में दया बिचारी है। कर दई सब घर की खुआरी और नेता भक्षब राम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही सावन को महीना लगो है मेरे नौजवान साथियों, इधर तो आकाश में काली काली घटाएं हैं और इधर इस दस सम्राट छबराम के गिंग के जितने लोग थे इन्होंने क्या किया? सावन साजत तीज जेठरा थाने में आके नगला पंचम में चढ़ो घरे एक जाए ब्राह्मण के।
महीना बीत न पायो है रे महीना बीत न पायो है। और महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है चार वहां पर भी मारे थे और लाखों की संपत्ति लूट के बोले यार जयकारे थे झुकी भादो जैसी अंधियारी और नेता भछब राम सदा दुखियन को हितकारी। जैसे ही भादो लगे ही भादो के महीने में दशा बड़ी भयानक बन गई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए। डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे थाना कंपिल है, इस कंपिल थाने में पहुंचकर दस सम्राट छबराम ने क्या दशा बनाई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए और लेन फिरौती है तप कर दुई लड़कन को लाए। फिरौती मिली न पूरी है और बन करके बे दर्द के उनमें मारी गोली है। दोनों मासूम बेटों की हत्या करने के बाद अभी इनको चैन नहीं। चढ़े तरफा गोली बरसाई खून की खिल रही होली है और पांच पुलिस के मरे तो भैया सुन ले बोली है। राइफिल पांचों की छीनी रे राइफिल पांचों की छीनी और दुई डाकू मर गए लाश न डाकुन की दीनी। कर दई चलने की तैयारी और नेता भछब राम सदा दीनन को हितकारी। मास में आकर राठौर साहब जरा ध्यान देना। क्वार महीना लगो के एटा को किस्सा बतलाई रे के एटा को किस्सा बतलाई और अलीगंज के पास ग्राम रहे तुमको समझाई। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट एटा में थाना अलीगंज शायद है। ये तो दसियों का इलाका वैसे भी रहा है और जब इस इलाका में दस सम्राट छबराम का आतंक ज्यादा मचा तो हुआ क्या वहां पर, वहां बदमाशन की घाटी और पड़ी पुलिस को खबर घेर लई चारों लंग पार्टी मरे बाजन पुलिस वाले और डाकू जम के डटे जान के पड़ रहे हैं लाले। नेता की टोली करी नेता ने होशियारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। कार्तिक महीना में छबराम जी सोचने लगे, मैंने जितना अधर्म से पैसा कमाया है शायद है अंतिम समय पर एक धर्म के अलावा मेरा साथ कोई नहीं देगा। तो इस दस सम्राट छबराम के हृदय में धर्म की जब भावना बनी है तो इसने डिस्ट्रिक्ट एटा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ का अनुष्ठान ये करने लगा। छबराम को भैया जब धर्म ना छेड़ स्त्रियों को धर्म की फिर रही दुआई है और छबराम ने जा बड़े जोर से यज्ञ रचाई है। दान जब ब्राह्मण को दियो और दीन गरीब दुखियन को अब हुलस रयो कियो। ये दस तो जरूर था, दस किने कहते हैं जिनके विचार गलत हो दाम सरण, आज वो होते जिनके श्रेष्ठ विचार। ये दस तो जरूर था मगर इतना ध्यान रखना परिस्थिति इंसान को जब चाहे जिस मोड़ पर खड़ा कर सकती है। परिस्थिति बस दस छबराम बन गया था मगर इसके हृदय में धर्म की भावना भी थी तो इसने और कौन कौन से अच्छे कर्म किए। कन्या दान बहुत किए और क्वारी गरीब लड़कियन के जब पीले हाथ किए धर्म से कछु दिन टर जाएगो और एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब वापस भर जाएगो। दिल में दहशत के भारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी।
महीने में आकर आगरा रीजन के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के डीएम साहब को जब ज्यादा भरा बुला कहा तो अधीन महीने में आकर गवर्नमेंट की तरफ से छबराम के ऊपर इनाम कितना घोषित हुआ। अधीन भाई न सेना हुकम सरकार सुनायो है छबराम के ऊपर लाख रुपया रखवायो है के छबराम घर पे आयो है और आत्मसमर्पण कर वे को जग दिल ललचायो है। ये डाकू नामी है और छबराम के देखन को मेला जुर्रे गामी है। जिस वक्त दस सम्राट छबराम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पड़रिया चौराहा जो उस पीरियड में तो जब छबराम था तब ये थाना कुरावली में था मगर इस पीरियड में ये थाना ओछा के अंतर्गत है। जब छबराम पड़रिया चौराहे पर आकर बैठा आत्मसमर्पण के लिए तो केंद्र के मंत्री श्री बीपी सिंह जी उस पीरियड में जब पड़रिया चौराहे पर आए और जैसे ही दस सम्राट को बैठा हुआ देखा मंत्री जी ने यह प्रश्न किया कि आखिर तुम चाहते क्या हो तो छबराम खुले शब्दों में बोला मंत्री जी मेरी एक बात सुन लो सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है दस बनने का भूखा जब तक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अगर आप हम लोगों को समाज में फिर से बुलाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक शर्त है कि पड़रिया चौराहे के पास से एक डिग्री कॉलेज और देहाती जनता के लिए एक ऐसा विशेष कारखाना खोला जाए जिसमें बेरोजगार लोग अपनी रोजी और रोटी को कमा सकें। बनाए डाकू नामी है छबराम के देखन को मेला जुड़ रहे गामी है मुख्यमंत्री जी बतलाए और मोहर सिंह माधो सिंह जैसे कारनामे पाए बड़ो है सुर बलंकारी और नेता भा छबराम सदा दीनन को हितकारी। एक बात का ध्यान रखना लोगों छबराम जी के साथ गांव बल्लमपुर का एक भूरा नाम का दस्य था मगर इसके विचार कैसे थे। पूछ हूस का किस्सा तुमको यार बताता हूं और बल्लमपुर में भूरा का भू चाल सुनाता हूं। मुरारी की दुई लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओमा दोनों लड़की सुकुमारी। रामशरण जी विनाश काले विपरीत बुद्धि शियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है राक्षस की जब मौत आती है तो भगवान की तरफ दौड़ता है
और कामी पुरुष की और दस्युओं की जब मौत आती है तब वो स्त्री की तरफ भागता है। इसलिए जरा ध्यान रहना, काठ की भी औरत से नफरत करना। मुरारी की तो लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओ मादोना प्यारी सुकुमारी हुस्न में हुर परी लागे और देख देख सूरत को यारो काम देव जागे कांता की इज्जत लूटी और माँ बेटी दई मारे बाप की बात ना झूठी। झूठी है करी दो लड़किन की खुआरी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही माह को महीना लागू है और जब ये लड़कियों के साथ संभोग करने के बाद वहां से निकल गए, माह मास में धोस दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। के साथ संभोग कर जब भूरा निकल गया और चलते वक्त यह भी जवाब दे गया कि कल तुम्हें अरिंद नदी के किनारे पर हमें मिलना होगा जहां हम तुम्हारे साथ समझदार के लिए संकेत ही काफी है। महामास में घोस दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। कुमारी थाने में आई और नैनन भर के नीर दरोगा जी से बतलाई। जो ओमा नाम की लड़की थी जब ये ऐसो युद्धपाल सिंह के पास पहुंची और आंखों में आंसू लेकर इस दुखिया ने अपने साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी घटना रो रो कर जो दरोगा जी को सुनाई और क्या बोली, नदी पे भूराया बेगो और मनी राम की नारे हरामी मोए बना बेगो। दरोगा जी जाए समझावे और चिंता ना तू करो आज हम नदिया पे जावे। जैसे दरोगा जी ने विचार सुना है जवाब दिया, ओमा घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, खबर चारों लंग कीनी है और ओम कुमारी भेज यार नदिया पे दीनी है। पुलिस चारों लंग भारी के छबे राम कुले के संग भूरा ने खुशी मनाई है। मनी राम नदिया पे हर साई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई।
इतना ध्यान रखना, जब मनीराम था ये भूरा का ही साथी था, और जब मनीराम को भूरा ने ये बताया कि मैं कल तुझे उमा के साथ सम्मोह कराऊंगा, तो राम शरण जी ये सोचने लगा कि भगवान देने में सूझ मत जाए। और रात्रि का जब इंतजार करने लगा तो हुआ क्या, मनीराम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई, नैन में आंसू है जारी और नेता भय छब राम सदा दीनन को हितकारी। नदी पर पहुंच गई, इधर ऐसा विद फोर्स को लेकर जब अरिंद नदी की घाटियों में पहुंचे तो दशा क्या बनी, फागुन अगुन देख भजी सब डाकुन की टोली, पीएसी की चारों लंग राठौर बरस रही गोली, डाकुन जग न पाई है और भागत भागत अरिंद नदी पे पहुंच जाई है। और अरिंद नदी की गोद आज रही मोक बुलबाई, जैसे ही दस सम्राट छबराम अपने पूरे गिरोह के साथ जब अरिंद नदी की घाटी में घिर गए, चारों तरफ से पुलिस और पीएससी के जवानों की राइफलें गूंजने लगी। छबराम सोचने लगे जिंदगी और मौत का फैसला इसी नदी की घाटी में है। इधर पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया, पुलिस के बोल सुनाते ही और फेंक दे हथियार, आज हम तुम्हें बताते ही, नेता ने जवाब सुनायो है और फेकुना हथियार साफ ये वचन सुनायो है। फौरन गोली बरसाई और किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गमाई है। फौरन गोली बरसाई है किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गमाई है। करी युद्धपाल ने होशियारी रे, करी युद्धपाल ने होशियारी, छबराम के ऊपर गोली राठौर जब छिपके मारी,
लाख छुप के जब मारी जाए एलएमजी छीनी के बारे डाकुन की लाश यार नदिया पे धर दीनी है के डाकुन छूटी रही नारी और नेता भछब राम सदा दीनन को हितकारी छबराम के साथ बारह डाकू मौत के घाट उतारे गए और अरिंद नदी की घाटी में 10 सम्राट अपनी जीवन लीला को खत्म करके उसकी लाश जब नदी पर गिर पड़ी तो इतना ध्यान रखना लगो लौंद कहे समझाए सुनो सब मेरी सरदारी और मत कोई डाकू बनो के राठौर हुए जाए खुआरी होती है फदियत अति भारी और घर और ये परिवार की भैया होती बड़ी खुआरी सुनो सब ध्यान लगाई है और राठौर के सिद्ध ने भारत में धूम मचाई है गिनती न कछु नकली की रे गिनती न कछु नकली की पीली के सिद्ध राठौर यही पहचान है असली की नकल आधार की करते हैं और नकल के प्रोग्राम के सुन नर नारी हंसते हैं नकल आधार की करते हैं नकल इनके सुन प्रोग्राम की शब नर नारी हंसते हैं शर्म न आँखिन में आवे और करके पराई नकल काए को सुरजन को शर्मावे कैसिट यही असली करे कैसिट यही असली के और जगह जगह पर कैसिट राठौर बिक रही नकली के मेरा सुरजन चेतन के नाम यादव काल में मैंने जन्म लो मेरी पुन पुन ले प्रणाम आधार चेतन के खास शिष्य आधार चेतन के खास छोटो सो मेरो गांव मधीपुर है पेड़त के पास लीजिए अभी आप लोगों ने 10 सम्राट छबराम की बारामासी सुनी मगर लीजिए अब ये खूंखार और कुख्यात महान क्रांतिकारी 10 अलवर की बारामासी हम आपके सामने पेश करते हैं। अब आप तुलना करें कि 10 और 10 में अंतर कितना होता है। कहां तो छबराम एक गरीबों का मसीहा और कहां ये गरीबों की इज्जत लूटने वाला खूंखार अत्याचारी।
उस महीना लगो हाल कथे अलवर को गाँव और मैनपुरी है जिला का किस्सा राठौर समझाऊ। गाँव है अलूपुरा भाई और कुरावली थाना है वहाँ को दियो बतलाई। वो अलवर एटा में पढ़ता और नई उम्र को जोन अखाड़े में कुश्ती लड़ता। वंश यादव को बतलायो और माता पिता ने ब्याह संग सीला के करवायो। सुशीला अति सुंदर नारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। माह का महीना लगा है अभिलाष सिंह। माह मास में बहु खुशामद धंधे को करती और शीला की सिख माने फौज में जाए भयो भरती। दुष्ट को मौका लागो के और लेकर के हथियार कवा से फौरन भागो के। आई के द्रोह बनायो के और सब साथिन की बाह पे अलवर नाम लिखायो है। लूट की कीनी तैयारी अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। इधर फागुन का महीना लगा राम शरण जी और आप जानते हैं फागुन में क्या होता है। फागुन महीना लगो हाथ बंदूक उठाई है अरे सुमिर श्री करे तार मनाई लई काल कमाई है। खून की नित खेले होली रे खून की नित खेले होली और मत पर अत्याचार मत अलवर की यो बोली। बाप ने बेटा समझायो और सुन शिक्षा की बात बाप पे बेटा अल्लायो। बीच में आ गई महतारी अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। जैसे ही पिताजी ने शिक्षा दी वत्स, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। तुम इस काम को छोड़ दो। अरे भैया अलवर हथियार लेकर जब अपने पिता को गोली मारने का मौका देखने लगा तो हुआ क्या। चेतन कियो न चेत पिता के मार दई गोली और दैधी बन को दान मात ने फैलाई झोली। अलवर माने कही मेरी अरे 9 महीना तो रखो उधर में मैया तेरी। बड़े दुख से तो जायो और मैं गीले में पड़ी लला तो सूखे में सोयो। दुनियादारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट
अलवर अत्याचारी। जिस वक्त मैया ने ये शब्द सुनाए राम शरण जी, लेकिन इस नीच को मां की भी शिक्षा पसंद नहीं आई और इस मैया ने इसे 9 महीने अपने उदर में रखा था, उसकी दशा क्या बनाई। वैसा ककर दई ला सजन से मैया मार दई, और माता पिता को तरसन ला जा किसी ला कांप गई, पिया के पैर पकड़ लिए और अब मत ये सो करो कराठोर बहुत जुलम किए, जेल खाने को जाओगे और बुरे काम को बुरो नतीजा एक दिन पाओगे। जेठ रही समझाए नारी की बातन भाई है, और दई पिस्तौल चलाए मार जब धरन गिराई है। पुलिस दबाई रही नायकाऊ से तनिक डरे, और सुंदर लड़की देख जबरन भोग विलास करे, सब अयासी को भारी अरे डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। साल को महीना लगो है लेकिन कामी को चैन नहीं। असार आशा लगी पास मामा के आयो है, और ले लो कन्या दान दुष्ट ने वचन सुनायो है, प्रेम मेरे मन भाई है और भामर डारो जल्दी से क्यों देर लगाई है। ध्यान रखना अभिलाष सिंह, इसके मामा की लड़की जिसका नाम क्या था, प्रेमलता, और प्रेमलता के ब्यूटीफुल फेस को देखकर ये उसकी सुंदरता में आसक्त हो गया और जवाब देने लगा, मामा प्रेम मेरे मनु भाई है और भामर डालो जल्दी से क्यों देर लगाई है, कहे मामा कैसी देरी, अरे तू मेरा भानज मेरी लड़की बहन लगे तेरी, फुर्त पिस्तौल निकाल लई अरे राजी मेरी करो मार देव देरी अगर भई, बना लई प्रेम लता प्यारी रे बना लई प्रेम लता प्यारी, और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी। अंदाजा लगाना लोगों, जो कामी अपनी बहन के साथ बलात्कार कर सकता है उसके लिए संसार में दूसरे की मां और बहन है, उसकी दृष्टि में मां और बहन नहीं है। शाबर सबर न हो एक गांव में आतंक फैल गया, अरे जिलाधीश ने फौरन बाको बा
वारंट काट दयो रुपया 10,000 पावे और मार कोई अलवर खोया फिर पकड़ जहां लावे खबर चारों लंग की नीखे और इंतजाम सब करे लगाए पीए सी दीनी है भादों में आकाश में काली काली घटाएं हैं और जो अलवर को बड़ो भैया है तो ना ये समझाने के लिए अपने भैया अलवर के पास आया। भादो में भैया को भैया समझाए बे आयो रेक भैया समझाए बे आयो और बदमाशी दे छोड़ काल तेरे सिर पे मड़ रायो मौत कुत्ता की मर जाएगो अरे एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब पापस भर जाएगो जारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है राम शरण जी उत्सव वेश ने प्राप्त दुर्भिक्ष संत संगते राज दरबारे शमशान यश तेज संबंध भैया का यह कर्तव्य है कि अगर उसका भैया बुरे कर्म की सत्संग में पड़ा है तो जरा उसे समझावे। लेकिन अलवर ने जैसे ये अच्छी सीख सुनी है भैया के मुंह से तो इसने क्या किया कुआरे में कूड़ा सामान सगे भैया पे लायो और लई पिस्तौल निकाले मार लो भैया को चाको बचा के जाने भगो भाई अरे कर सोले श्रृंगार पिया ढिंग प्रेम लता आई इश्क में है गया दीवानो और प्रेम लता को परिस्थान की पूर परी जानो गले में गलबैया डारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी इधर तो प्रेमलता के साथ अलवर ऐशो आराम उड़ाने लगा और इधर कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक महीना लगो दिवाली दुनिया में छाई अरे अलूपुरा में डर के मारे अंधियारी छाई नाम सुन बालक सुपति रहे और बूढ़े बड़े लगा के कुंडी भीतर दुबक रहे मरे गो कादन हत्यारो और दिल के मारे पांच गांव सब उजर कर डारो खबर लो जल्दी गिरधारी और डाकू पैदा भयो दुष्ट अलवर अत्याचारी कार्तिक के महीना में अलूपुरा की दशा है तब तक अघेन का महीना आ गया और इधर अलवर की जीवन लीला का अंतिम समय भी आ गया। अग
एहन महीना लगो करी घोड़ी पे सुबारी। अरे प्रेम लतायो कहे करी का जावे की तैयारी। आंख मेरी प्रीतम फड़क रही और कुशल न दिखे प्यारी मेरी छाती धड़क रही। न मानो बल्लीपुर आयो और एक स्त्री के संग दुष्ट ने भोग भात खायो। राइफल खड़े सर लिए और पीएसी ने गम यार पहले ही से घेर लिए। रास्ता अपनो साफ कियो मार्ग में भैंसा और मार पिस्तौल उड़ाई दियो। ले घोड़ी भागन चायो है आर एस सिरोही जी ने चटबाय मार गिरायो है। अपनी जीवन लीला को समाप्त करके स्वर्ग में चला गया और इधर लौंद में क्या हुआ। लौंद लगाई रौंद हाल सब प्रेम लता जानो। हाथ लई पिस्तौल धरो जब भेस ये मर्दानो। पतले घर से रूपो सभई ठिकाने पे जाए कली खिली। और जिस गिरोह का अलवर डाकू उसमें जाए मिली। न छूटे से जब पिछारी है और प्रेमलता की खोज राठौर अब तक ये जारी है। जो कोई बक पतो लगावेगा और प्रेम जो पकड़ी जाए के बोनर इनाम पावेगा। सुनी जैसी हमने गाई और बारह मासी भाई खत्म कलम अब रुक रही मेरे भाई। कैसे ये ही असली है और जगह जगह पे कैसे यारो बिक रही नकली है। यार सुरजन चेतन मेरो नाम और यादव कुल में जन्म भयो है। पुन पुन मेरी प्रणाम बारे।